सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं, हीरोपंती। अरे टाइगर भैया बहुत अच्छा बोले, आज आप सही बोले, हीरोपंती। तो भैया आपकी तो मूवी आ गई है, पर ऑडियंस कहाँ आ रही है? ऑडियंस को भी बुलाइए। जी सर, ज़रूर बुलाऊंगा। सो दोस्तों, मैं तरुण राजपूत आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में। सो गाइस, इधर बात करने वाला हूँ गणपत। गणपत दोस्तों आज रिलीज़ होने जा रही है, जिसे हम देखने जा रहे हैं। और मुझे लगता है यार, टिकट तो हमने बुक नहीं कराई है, पता है कि विंडो पर जाके टिकट मिल जाएगी। और विंडो पर दोस्तों आज टिकट मिलने का ये संभावना है कि 1 GST नहीं लगती। अगर बुक माई शो में हम टिकट बुक कराते हैं तो उसके लिए अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं, जबकि थिएटर खाली है, कच्चा कच्चा। अगर ये फिल्म ना देखने को मिली, कोई दूसरी देख लेंगे। तो आज हम रेडी शेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं मूवी गणपत देखने। तो गाइस, गणपत का रिव्यू मैं लेकर आऊँगा आपके लिए बहुत जल्द। उससे पहले आपको बता दूँ कि आज एडवांस बुकिंग में कितना इसने कलेक्शन किया। और आज दोस्तों जैसे मर्जी गणपत है कि आज जैसे मर्जी हम लोग को शपो के चीज़ लेकर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गैस जहां मूवी की टिकट इतनी बड़ी प्राइस रखी होती है ना, उधर बाद में चेकिंग ऐसे करते हैं, चेक करने लग पड़ते हैं अगर इस चॉकलेट या कुछ मिल जाए, सर ये भी रख दीजिए, वो भी रख दीजिए। पर हमारा दोस्तों कुछ अलग है, हम लगाते हैं जुगाड़। जुगाड़ आप लोगों ने भी लगाया होगा, तो भले ही आप लोगों ने ना बताया होगा, बट जुगाड़ लगा कर कई क्या करते दोस्तों, हम भी करते थे जब मूवी देखने आते थे। टिकट प्राइस इतना महंगा होता था, सॉक्स होती थी उसके बीच में हम डाल लेते थे, चॉकलेट्स वगैरह इधर रख लेनी उधर रख लेनी, बाहर रैपर होता था, रैपर खोल के बाद में खा लो अंदर बैठकर। कैटल होती है जिसमें हम चाय लेकर आते स्टील की, उसमें हम स्प्राइट पा लेते थे कि यार पानी है, पानी तो कौन मना कर सकता है, तो पानी तो पियेंगे। तो यार ये हम खुद की अपनी सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि गैस एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास इंसान के लिए सिनेमा घर में जाकर, वो भी मॉल में अगर मूवी देख रहे हो, पहले इंसान 400-500 की टिकट ख़रीदता है, 350 गई, 399 है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर प्यास लगती है पानी पीने के लिए, कोक पीने के लिए 150 रुपये का 300 ml का कोक का ग्लास होता है, पॉपकॉर्न 250-300, बर्गर 200। यार इतना रेट बढ़ा चढ़ा देते हैं ना, अगर ये देखते हैं कि मूवी का क्राउड आ गया, रश ज़्यादा आ गया है, क्राउड ज़्यादा है, तो ठोक दो, बस इनको आने दो, जो आ रहा है लपेट लो। समोसा एथलिक्स 50 रुपये का समोसा, यार मुश्किल हो जाती है, इसलिए इंसान जुगाड़ लगाता है, और आप लोगों ने भी लगाए होंगे। तो एनीवे मैं अपनी बातें लेकर बैठ गया, चलिए इधर बात बताता हूँ गणपत की। जो गाइस गणपत की अब तक मैंने देखा था ना, सुबह 6 बजे तक चेक किया सुबह उठ के, तो मैं नींद में था, हालांकि मैं इसे वीडियो ना बना होया तो उसका मैं बता देता हूँ। उसकी दोस्तों एडवांस बुकिंग जो हुई थी 1.2 करोड़ हुई थी, एडवांस बुकिंग 1.2 करोड़ हुई थी सुबह 6 बजे आज। और इस मूवी ने दोस्तों आज एडवांस बुकिंग करके ये तो साबित कर दिया है कि ये मूवी का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बाकी दोस्तों स्टोरी पे डिपेंड है, स्टोरी भले अच्छी होगी, ऑडियंस को पता नहीं क्या दिक्कत होगी आज इस टाइगर श्रॉफ से, जो उनकी मूवी देखना पसंद नहीं कर रही है। हालांकि पिछली मूवी देखिए टाइगर श्रॉफ की, कुछ अच्छी खासी नहीं चल पा रही है, पर जे 1.2 करोड़ की अकॉर्डिंग अगर आज कलेक्शन दोस्तों आता, अगर ऑडियंस जाती है, तो 4-5 करोड़ का कलेक्शन आता है। मे बी मैं इतना बढ़ा चढ़ा कर तो चलो 5 करोड़ बहुत कह रहा हूँ, मैं अगर पहले कहने लगा था 3-5 करोड़, मुझे लगता है 3-5 करोड़ के बीच में कलेक्शन आएगा दोस्तों आज पहले दिन का। और वर्ल्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ तो मूवी थोड़ा ग्रोथ करेगी, क्योंकि आगे वीकेंड छुट्टियाँ आ रही हैं काफ़ी। तो आप लोगों को क्या टेक है बताइएगा ज़रूर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके जाइएगा, ऐसे आपके लिए रिव्यू लाता रहूँगा। तो हम जा रहे हैं मूवी देखने, तो गो एंड वॉच गणपत।